इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत सत्येंद्र जैन को मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक लंबे अरसे से सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल में बंद थे और अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की खबर है। इससे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत पहले मिल चुकी है। केजरीवाल भी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी रो पड़ी। अपडेट आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी फिलहाल मामले में ट्रायल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।